हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं तो ठीक हूँ। आपके साथ आज और एक नया रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। तो वो रेसिपी है साग। नॉर्मली जो हम लोग गांव में साग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और क्या साग है आपको दिखाएंगे। तो आज हम बनाएंगे अरबी, जो अरबी होता है ना उसका साग, उसको हम लोग बोलते हैं कोचू साग। तो वही कोचू साग ही बनाएंगे। तो आपको आज दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग आए हैं दीदी के घर साग तोड़ने के लिए, लेकिन उनके घर पे कोई भी नहीं है, लोग है। तो अभी आगे से देख रहे हैं, दीदी आ रही है, आने देते हैं उनको। इस तरफ है साग, ये देखिए साग। हम लोग इसको तोड़ के लेके जाएंगे, मतलब जैसे ये नया निकाला हुआ है ये पत्ता, ये साग ऐसा वाला को जो नया नया निकला है वैसे वाला को तोड़ के लेके जाएंगे अभी। और दीदी आ गई है और तोड़ने वाला ये मिल गया है हमको। तो हम तोड़ लेते हैं साग। तो ये देखिए पूरा भर लिए हैं झोला, मेरा साग तोड़ के हो गया है। अभी जाएंगे। ये रहा, भर लिए हैं। चलिए फिर घर जाकर इसका रेसिपी कैसा बनता है आपको दिखाते हैं। ये है एलिफेंट एप्पल, जो बहुत खाने में खट्टा है। इसको हम साग में डालेंगे। तो दिखाते हैं कैसे इसको काटते हैं और साग के साथ इसको बनाते हैं। ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसको अभी बॉईल करेंगे अलग से। दिखाते हैं कैसे बॉईल कर रहे हैं। अभी मैंने कुकर ले लिया, उसमें इसको डालूंगी। इसमें मैं स्वाद अनुसार थोड़ा नमक ऐड कर दूंगी। इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, मैं 2 कप पानी ऐड कर दूंगी। इसमें पानी ऐड कर दिया है, अभी मैं इसको गैस में चढ़ाऊंगी और 3 या 4 सीटी मारने तक इसको गैस में रखूंगी। इसको मैं चढ़ा दी हूँ, गैस भी चालू कर दिया है, तो इसको 4 सीटी मारने तक मैं रुकूंगी। मैंने 4 सीटी मारवा दिया है, अभी मैं गैस भी ऑफ कर दी हूँ। अभी ये मैं रख देती हूँ अलग से। अभी साग को बॉईल करूँगी। ये देखिए मैंने साग अच्छे से वॉश कर लिया है, अभी मैं इसको बॉईल करूँगी। ये मैंने गैस चालू कर लिया है और कढ़ाई भी चढ़ा दिया इसमें।
अभी मैं इसमें पानी थोड़ा सा डालूंगी, गरम पानी डाल रही हूँ। इसमें पानी डाल दिया है, अभी मैं इसमें साग डालूंगी। ये देखिए ये अच्छे से बॉईल हो जा रहा है। इसमें थोड़ा सा पनीर देती हूँ। इसको हम एकदम गीला होने तक पकाएंगे। और साग की सब्जी बनाने के लिए मुझे चाहिए सूखी मिर्च, लहसुन, काली मिर्च, सरसों और ये एक ओनियन। बस इतनी चीज़ों से मेरा साग बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए साग अच्छे से गल गया है। बहुत अच्छे से गल गया है। इसको हम निकाल लेते हैं। मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, गैस को चालू कर दिया। अभी इसको गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम होने देते हैं। अभी ये ऑयल गरम हो गया है, यहाँ हम लोग डालेंगे सरसों। सरसों डाल दिए, अभी हम यहाँ पर सूखी मिर्च डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे ऑनियन। इसे अच्छे से ब्राउन होने देते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन। इसमें अभी डालेंगे काली मिर्च। अभी इसमें हम लोग साग डालेंगे जो बॉईल किया हुआ है। ये हम लोग डाल दिए हैं साग, पका लेंगे। अब
अभी ये साग में डालेंगे बॉईल किया हुआ एलिफेंट अप्सल, जो कुकर में बॉईल किया था मैंने निकाल के रख दिया था, अभी इसको डालेंगे यहाँ पर। इसको आप छोटा छोटा भी काट सकते हो, लेकिन मैंने बड़ा ही रखा, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अब इसको कुछ देर ढक के पकाएंगे, अभी ढक लिए हैं, कुछ देर इसको पकाएंगे, उसके बाद मेरा साग रेडी हो जाएगा। अभी थोड़ा देखते हैं कैसा बन रहा है। ये देखिए अच्छे से पकने लगा है। इसमें मैंने ये एलिफेंट अप्पल में भी बॉईल करते हुए नमक डाला था, और ये साग में भी बॉईल करते हुए नमक डाला था, तो मुझे अलग से नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग बनाओगे तो अगर देख लेना, अगर नमक की ज़रूरत होता है तो आप लगा सकते हो। यहाँ पर थोड़ा पानी है, मैं थोड़ा पानी इसको थोड़ा सूखने के बाद ही, पूरा नहीं सुखाऊंगी, थोड़ा सा सुखाऊंगी, उसके बाद मेरा साग खट्टा देके साग जो है वो रेडी हो जाएगा। अभी देखते हैं पानी सूखा कि नहीं। ये देखिए सूख गया है, मुझे ज़्यादा सुखाना भी नहीं है, बस मीडियम में रखना है, तो ये अच्छे से सूख गया है। तो मेरा जो साग है वो खट्टा दिया हुआ साग रेडी है, तो मुझे इतना ही पकाना था, तो मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। ये देख लीजिए आपको कैसा लगा बताइएगा, दिख रहा है ना अच्छा। तो गाइस मेरा जो मैंने आपको साग का रेसिपी दिखाई, तो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा।